हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट मोबाइल प्रेम में। और सब भाई को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार और सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास है एक वीवो का V17 प्रो। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें कैमरा प्रॉपर दो कैमरे निकलते हैं फ्रंट में। तो ये मॉडल है V17 प्रो, जो कि फ़िलहाल जो है फुल डेड कंडीशन में है। और शॉपकीपर के पास, किसी भाई शॉपकीपर के पास ये आया था सिर्फ बैक पैनल चेंज होने के लिए। और उनका कहना है कि सिर्फ मैंने इस पर से बैक पैनल रिमूव किया और जो है सेट उसके बाद ऑन नहीं हुआ। तो ऐसा इसमें क्या हुआ होगा कि ये डेड हो गया? और जो सील्ड रिमूव है, सील्ड रिमूव मैंने की है, तो देखिए बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है एकदम। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है, लेकिन सेट फिर भी जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन भी बन जाती है। देखो इसमें कस्टमर की भी कोई गलती नहीं है और दुकानदार की भी कोई गलती नहीं है। अब दोनों की गलती नहीं है तो क्या करें इसमें, क्योंकि बैक पैनल भाई ने रिमूव किया, ओनली बैक पैनल इसका रिमूव किया उन्होंने और सेट जो है डेड हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जो है, ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं बताइए? अपने कदम पीछे हटाने। अब कस्टमर तो ये कहेगा ना कि मैं तो ऑन दिया था, और उसकी बात भी ठीक है, वो गलत छोड़ जो थोड़े ना बोल रहा है। लेकिन कस्टमर इस चीज़ को नहीं समझता कि मैंने क्या किया, जबकि शॉपकीपर बोल रहे हैं कि मैंने उनके सामने ही इसका बैक पैनल रिमूव किया और मैंने इसमें कुछ नहीं किया, उसके बाद सेट जो है ऑन ही नहीं हुआ। तो चलिए, आया हमारे पास तो बड़ी उम्मीदों के साथ आया, तो देखते हैं इसमें आखिरकार हम क्या कर सकते हैं और उनकी हेल्प हो जाए अच्छी है। तो चलिए हम इसे एक बार डायग्नोस कर लेते हैं क्या इसमें क्या है क्या नहीं है। तो एक बार हम पहले इसको चार्जिंग पर लगा के देख लेते हैं कि कोई एम्पियर ये ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो एक बार मैं आपको इसमें बैटरी में करंट कितना है वो चेक करा देता हूँ। तो मैं ज़रा इसमें बैटरी में आपको करंट चेक कराता हूँ, बैटरी में आखिरकार करंट कितना है। पहले एक बार बैटरी में करंट चेक कर लेते हैं कि बैटरी में करंट कितना है इसमें। तो देखिए बैटरी में 4.1 वोल्ट है इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मीटर को, देखिए 4.1 है, ठीक है। तो बैटरी तो चार्ज है, लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार बैटरी का पता लगा के ऑन भी करके देखते हैं, कभी बाय लक हो जाए ऑन। फिर से नहीं रहा तो कुछ भी नहीं ले रहा है। तो एक बार हम जो है इसमें हम चार्जिंग लगा के देख सकते हैं, जैसा कि हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। चार्जिंग हमने इसमें लगा दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और 7 नंबर पे इसने 0.1 लिया है। देखिए अभी आएगा 7वें नंबर पे 0.1 ले रहा है, और यहाँ देखिए कुछ भी 0.1 ले रहा है, ठीक है। मैं एक बार बैटरी का पता निकालता हूँ, तो ये हट गया, देखिए बैटरी का पता मैं कनेक्टर लगा देता हूँ, तो 0.1 इसने ले रहा है, ठीक है सर। तो अभी तो फुल डेड है, तो एक बार हम डीसी की भी रीडिंग ले लेते हैं क्या आखिरकार इसमें क्या शो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए इस तरह की लो बूटिंग ये ले रहा है, 4, 5, 3, 6, 4, 5, 6, 3 सिर्फ ऐसे ही है, कर रहा है, छोड़ देते हैं। एक बार फिर टिकट दबाते हैं, तो ये ऐसे ही कर रहा है। तो चलिए एक बार बोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए बोर्ड को हमने निकाल लिया है बाहर, और इधर से देखिए बोर्ड एकदम फ्रेश है, इधर से देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपना
देखते हैं इसमें डायग्नोज करते हैं क्या आखिरकार प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग ही होगी इसमें। तो चलिए देखते हैं। ओके, जैसे कि अपने वीडियो में हर वीडियो में हम जो है बैटिंग कनेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं, तो इसमें भी देखिए बैटिंग कनेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से क्या हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलिए कर लेते हैं हमने मल्टीमीटर को डायोड मोड में और चलिए चेक करते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया है और ये हमारा वी बैट की लाइन हो गई। अब चेक करते हैं तो यहाँ तो कोई इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, हमारी बैट आड़ी या बैट थ्रम की लाइन है तो यहाँ भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यहाँ सब परफेक्ट है। तो देखिए अब ये सील्ड जो रिमूव है ये भी मैंने ही रिमूव की है, नहीं तो बिल्कुल एकदम फ्रेश सेट था। तो चलिए यहाँ की भी हम जी आर ले लेते हैं कि ऐसा कि कोई वी आर एच लाइन या वगैरह हमारा वी पी एच, ये हमारा वी पी एच हो गया तो वी पी एच भी ओके है, वी पी एच में भी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब हम इसके आसपास के जो कैप लगे हुए हैं उन पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ कोई शूटिंग हमें मिल रही है नहीं मिल रही है या अदरवाइज इसमें कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे कि सी पी यू ड्रेस होल्ड हो जाना या सी पी यू की कोई लाइन शॉर्ट हो जानी, तो उस वजह से भी हमारा मोबाइल जो है लो बूटिंग में चला जाता है। तो चेक करते हैं कि यहाँ कोई शॉर्टिंग हमें मिल रही है नहीं मिल रही है, यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है क्योंकि मोबाइल जिस कंडीशन में डेड हुआ है सिर्फ पैनल रिमूव करने पर ही मोबाइल जो है डेड हो गया है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं किया गया है। यह हमारी बक लाइन की जो है कॉइल्स लगी हुई है, तो अभी तक तो कोई ऐसा हमें देखने को नहीं मिला कि इसमें कोई शॉर्टिंग हमें नज़र आई हो। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पेशेंस के साथ में काम करिए। तो अभी तक तो जो जी आर मिला है सब ओके मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह हमारी वी पी एच की लाइन होगी, ये चेक कर ली थी मैंने। अब जितने भी कैप लगे हुए हैं सबको बिल्कुल बी केयरफुल चेक कर रहे हैं, अगर शूटिंग होगी तो ज़रूर मिलेगी, नहीं तो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही काम करने में जो मज़ा है वो नहीं किसी और चीज़ में है। क्योंकि बहुत से टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, पावर उठा दी, सीपी उठा दिया, यूएफएस या एमएमसी को उठा दिया, ऐसे काम मत किया करे भाई। जब भी काम करें तो बिल्कुल सोच समझ के काम करें, नॉलेज के साथ में काम करें, तुक्केबाजी वाला काम मत करें। तो अभी तक तो जी आर हमें जो है परफेक्टली मिल रहा है, कोई शॉर्टिंग हमें नज़र नहीं आई है। तो देखते हैं अभी और चेकिंग करके और जी आर लेकर देखते हैं कि यहाँ भी ओके जी आर हमें मिल रहा है, यहाँ भी एकदम परफेक्टली जी आर है यहाँ भी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो भाई इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं और उन्हें नॉलेज चाहिए, देखो यूट्यूब एक सबसे बड़ा जरिया है। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब पे सब कुछ प्रॉपर मिलता है, तो देखिए मुझे लगता है कि ये शायद कैप जो है ये शॉर्ट नज़र आ रहा है, देखिए ये कैप मुझे जो है शॉर्ट लगा, यहाँ पर मुझे जो शॉर्टिंग देखने को मिली, ये देखिए
ये देखिए यहाँ पर मुझे जो है शॉटिंग मिल रही है। अब यहाँ पर शॉटिंग मिल रही है तो देखने का सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाइन कौन सी लाइन है, ये किस लाइन में हमारी शॉटिंग हमें मिली है। तो इससे हम स्कीमेटिक की हेल्प ले लेंगे, अगर बिट मैप हुआ तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी की तरफ और खोल लेते हैं स्कीमेटिक वीवो V17 प्रो का बिट मैप। तो चलिए बिट मैप खोल लेते हैं वीवो V17 प्रो का। वेट करते हैं जब तक कि ये ओपन होता है। तो देखिए हमारा जो है बिट मैप वीवो V17 प्रो का बिट मैप ओपन हो गया है और ये लाइन जो है हमें शॉट मिली है। ये लाइन जो कि ये VRGBOB लाइन है। अब बहुत से बंदों को यही नहीं पता VRGBOB लाइन कौन क्या लाइन होती है। VRGBOB लाइन हमारी जैसे VPH की लाइन होती है ऐसे ही VRGBOB लाइन होती है। ये हमारे बहुत सारे सेक्शनों में जाती है, जैसे आपका रिंगर IC है वो हो गई, बहुत सारे सेक्शनों में ये जाती है, LDO वगैरह में जाती है। तो देखिए ये लाइन हमारी शॉर्ट है और ये CPU वगैरह में तो नहीं जाती है। बिट मैप अगर मिल जाए तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि उसमें कंफर्मेशन हो जाता है कि ये हमारा CPU के लाइन नहीं है, क्योंकि अगर ये CPU की लाइन होती तो CPU शॉर्ट होने का भी पूरा चांस इसमें बन सकता था। ये इस LDO पे आ रही है और इस LDO से आपका एक पावर में जा रही है। अब देखना यह है कि इसमें शॉर्ट कहां से में। और आज के समय में अगर आपको काम करना है तो आपके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए एक प्रॉपर तरीके से। तब देखिए VS वोल्टेज स्विचिंग बग BOB वोल्टेज, ये हमारी इस लाइन की जो है कोयल है जो इस वोल्टेज को जनरेट कर रही है। तो चलिए अब हम थर्मल कैमरे का इसमें यूज करेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ कि आज के दौर में काम करने के लिए आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, थर्मल कैमरा भी एक अच्छा ऑप्शन है फिलहाल के समय में। तो चलिए इसे हम वोल्टेज अप्लाई करके देखते हैं कि आखिरकार शॉर्टिंग इसमें कहाँ है। तो देखिए मैंने ये एक ग्राउंड पर रखा और एक ये इसे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो शॉर्टिंग हमें यही मिल रही है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि इसको ऐसे लगाने पर शॉर्टिंग जहाँ हम लगाते हैं वहाँ से हल्का फुल्का हीटअप हो जाता तो शॉर्टिंग वहीं दिखा देता, तो ये लाइन कहीं और भी होगी। तो वहाँ से मैं इसको वोल्टेज अप्लाई करूँगा, जैसे कि नीचे भी ये लाइन थी वो लाइन भी शॉर्ट है, तो यहाँ से मैं वोल्टेज इसमें अप्लाई करूँगा तो अभी पता जाएगा कि वही से देखी तो यही पर ये कैप शॉर्ट इसमें हमें देखने को मिल रहा है। देखिए ये कैप हमें शॉर्ट देखने को मिल रहा है, यही कैप इसमें शॉर्ट है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ माइक्रोस्कोप के कैमरे पे, तो ये कैप हमें शॉर्ट देखने को मिल रहा है। तो इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं बी केयरफुल, क्योंकि जो है IC भी इसमें ब्लैक पेस्टेड है, अगर आप ज़्यादा हीट दोगे तो वो भी ड्राई शोल्ड वगैरह हो सकती है। तो देखिए हमारा जो है कैप निकल गया है। अब देखते हैं कि इसमें शॉर्टिंग रिमूव हो गई है या नहीं हुई है, या फिर इसमें कुछ और कहीं और शॉर्टिंग है तो चेक कर लेते हैं। थर्मल कैमरा आज के समय में बहुत ही ज़रूरी हो गया है, तो थर्मल कैमरा लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए चेक करते हैं तो जो है शॉर्टिंग हमारी परफेक्टली रिमूव हो गई है। तो यही कैप हमारा शॉर्ट था, दिया थर्मल कैमरा ना होता तो कहीं रोजिन करना पड़ता, यानी कि कुल मिला के यही कि कुछ लंबा प्रोसीजर हो जाता, लेकिन थर्मल्स की सहायता से मिनटों में उसने इसकी शॉर्टिंग
निकाल दी। तो देखिए यहाँ से मैंने वो पावर इसको अप्लाई किया था क्योंकि ये लाइन एक ही थी। तो आपको चेक भी करा देते हैं कि देखिए यहाँ से वहाँ तक की बीप हमें देखने को मिलेगी क्योंकि ये लाइन एक ही है और यहीं से वोल्टेज अप्लाई किया गया था परफेक्ट तरीके से। हमें पता लग गया कि ये हमारा कैप शॉर्ट है। तो चलिए बोर्ड को जो है हम अपने तो देखिए जो है हम बोर्ड शॉर्ट था, इसमें शॉर्टिंग निकल गई। अरे ये हमारा जो है थर्मल कैमरा, जैसे कि देख रहे दिखा दीजिए एक, ये हमारा एक अभी अभी हमने परचेस किया है थर्मल कैमरा और इसकी सहायता से इसमें आसानी से हमने जो है सेटिंग शॉर्टिंग इसमें रिमूव कर दिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सेट अब ऑन होता है या नहीं होता है, क्या कंडीशन है इसकी। अब तो चलिए अभी ऑन करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए माशाल्लाह जो है सेट ऑन हो गया है और उन भाई की जान भी इसमें बच गई है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कंप्लीट ऑन होता है या नहीं होता है, क्या है क्या नहीं है इसका मैटर। तो सेकंड लोगों पर आ गया है। और देखिए कंप्लीट जो है हमारा सेट ऑन हो गया है और इस थर्मल कैमरे की साथ जो है कि हमने आज इसमें से शॉर्टिंग जो है रिमूव की है। और तो देखिए एकदम परफेक्टली हमारा सेट जो है रन कर गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और आज के दौर में थर्मल कितना ज़रूरी हो गया है, बहुत से यूट्यूबर कहते हैं, बहुत से शूट वाले कहते हैं कि थर्मल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, थर्मल की बहुत ज़्यादा नीड हो गई है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और बढ़िया काम करता है थर्मल। तो बने रहिए हमारे चैनल स्मार्ट मोबाइल रिपेयर में और